Garage Tower, Alpha Papa, Bravo Mike Foxtrot, ready for takeoff. अस्सलाम वालेकुम। आप में से कई लोगों ने जहाज में सफर किया होगा, लेकिन जहाज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में सिर्फ पायलट और जहाज ही नहीं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल का एक पूरा सिंक्रोनाइज और कोऑर्डिनेटेड सिस्टम मौजूद होता है। दुनिया भर में एटीसी के 100 साल होने जा रहे हैं 20 अक्टूबर को, तो उस सिलसिले में हम एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान में एयर ट्रैफिक कंट्रोल किस तरह मैनेज होता है, कितना जबरदस्त ये कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। तो आइए चलते हैं पहले कंट्रोल टावर की तरफ और देखते हैं किस तरह सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। फ्लाइट उड़ाने से पहले हर पायलट अपने फ्लाइट की तमाम डिटेल्स एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइंस के मुताबिक एक फॉर्म पे फिल करता है, जिसको फ्लाइट प्लान कहते हैं। ये फ्लाइट प्लान पायलट या उसका रिप्रेजेंटेटिव सिविल एविएशन अथॉरिटी के एक ऑथराइज्ड ऑफिसर के पास लेकर आता है, जो उसको स्क्रूटिनाइज करके सिग्नेचर करके एक्सेप्ट करता है। इसके बाद ये फ्लाइट प्लान कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू उन तमाम रेलेवेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स को ट्रांसमिट किया जाता है, जिनके पास से गुजरकर पायलट ने अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। ऑलराइट जी, तो ये जो एरिया है, ये है कंट्रोल टावर। देखने में आपको लगेगा ये बड़ा छोटा सा रूम है, लेकिन यहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हैं और बहुत सारे ऑपरेशन सिर्फ यहीं से मैनेज हो रहे हैं। जहाज जैसे ही स्टार्ट होता है और जब तक एयरबॉर्न नहीं होता, वो इस कंट्रोल टावर से रबते में होता है, इनके साथ कोऑर्डिनेशन में होता है। कराची कंट्रोल टावर, सिर्फ ये जहाज ही नहीं देखा जाता, रनवे पे मेंटेनेंस की गाड़ियां भी चलती हैं, फायर ब्रिगेड भी होती है, एयर साइड भी होती है, बर्ड शूटर का भी अलग हिसाब किताब होता है, और भी दूसरे किस्म के कैरियर्स होते हैं, उन सब की कोऑर्डिनेशन देखना और फिर यहां से जब जहाज सेफली एयरबॉर्न होता है तो वहां एरिया कंट्रोल तक हैंड ओवर करना, वो सारा इस कमरे से होता है। इस पूरे पेचीदा प्रोसेस को किस तरह हैंडल किया जाता है, हम चीफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अब्दुल समद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? थैंक यू सर। इतने छोटे से कमरे से इतने बड़े बड़े काम कैसे मैनेज हो रहा है? बेसिकली यहाँ पे हमारे पास दो पोजीशंस हैं, ग्राउंड मूवमेंट कंट्रोलर एंड टावर कंट्रोलर। जब जहाज स्टार्टअप लेता है हमसे, तो ग्राउंड मूवमेंट कंट्रोलर के पास आता है, वो स्टार्टअप लेता है, वो स्टार्टअप देता है, उसको क्लियरेंस देता है, टैक्सी करवाता है, एंड देयर आफ्टर वो उसको चेंज करवाता है इस पोजीशन पे कंट्रोल टावर। कंट्रोल टावर जो है वो इन कोऑर्डिनेशन विद अप्रोच कंट्रोल, जो नेक्स्ट यूनिट है हमारा, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रहते हुए उसको एयरबॉर्न करवाता है, अपनी ट्रैफिक देखते हुए जो हमारी लैंडिंग हो रही होती है, और नेक्स्ट पे वो नेक्स्ट यूनिट के पास तरह से लाहौर जाकर उसके कंट्रोल टावर पर जाता है। अस्सलाम वालेकुम कराची ग्राउंड, दिस इज अल्फा पापा ब्रावो माइक फॉक्सट्रॉट, सर पार्क एट वॉशिंग बे विद इंफॉर्मेशन ब्रावो, रिक्वेस्टिंग स्टार्टअप एज पर फ्लाइट प्लान। अल्फा माइक फॉक्सट्रॉट, स्टार्टअप अप्रूव्ड, रनवे यूज 25 लेफ्ट। अप्रोच टावर, रिक्वेस्टिंग रिलीज फॉर अल्फा पापा ब्रावो माइक फॉक्सट्रॉट। Alpha Papa Bravo Mike Foxtrot, line up runway 25 left, wind 270 degrees 10 knots, Royal 3 Charlie departure 70, runway 25 left, clear for takeoff. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे बर्ड शूटर की, हम अक्सर देखते हैं जी परिंदे इंजन में आए थे और कभी कभी काफ़ी नुकसान भी कर देते हैं, तो बर्ड शूटिंग का क्या है सिलसिला यहाँ? बेसिकली बर्ड शूटर जो सिविल एविएशन के अपने डिप्लॉयड होते हैं बर्ड शूटर्स, एक हमारा एयर साइड एक डिपार्टमेंट है, उन्होंने बर्ड शूटर्स हायर किए होते हैं, तो रनवे होता है दोनों के स्टार्ट में, उनके मिड में और उनके एंड में जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। अच्छा सर, अभी जितना भी हम देख रहे हैं सारा रेडियो पे आपका कम्युनिकेशन है, व्हाट इफ किसी भी वजह से रेडियो काम करना छोड़ दे, तो आप किस तरह गाइड करेंगे जहाज को कि उसने कब लैंड होना है? इन केस ऑफ रेडियो फेलियर या कम्युनिकेशन फेलियर, हमारा एक प्रोसीजर होता है, हमारे पास जो है वो एक तो प्रोसीजर बना होता है कि एयरक्राफ्ट ने क्या फ्लाई करना है, किस तरीके मनूवर्स करने हैं वो, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सिग्नलिंग जो है वो डिवाइस है, इसको जो है हम ऑन करते हैं, फिर एयरक्राफ्ट की तरफ हम करके उसके हम उसको बताते हैं कि आपने लैंड करना है या नहीं करना। कभी ऐसा हुआ कि पायलट को पता नहीं बटन ऑन है और वो अपनी बातें कर रहे हैं और आप लोग यहाँ बैठ के? ऐसा हुआ है, ऐसा भी हुआ है, ऐसा होता है कि स्पेशली जो सी में जो मच्छेरे जो है वो फिशिंग कर रहे होते हैं, तो उनकी भी आरटीओ कभी कभार ऐसा होता है कि वो मिक्सअप हो जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, तो वो गाने लगे होते हैं इस तरह से। तो हमारे पास सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी है दोनों यूनिट्स की, ग्राउंड मोमेंट की भी और टावर की भी सेकेंडरी फ्रीक्वेंसी है, तो हम उस पर शिफ्ट कर लेते हैं।
मतलब ये होता है कि एट द टाइम मैं देख रहा हूँ इतने सारे फोन लगे हुए हैं, फिर इतने सारे आपके वायरलेस सिस्टम है, तो आई एम श्योर स्ट्रेस लेवल आप लोगों का बहुत ज्यादा होगा, तो आप उसको कैसे कोप अप करते हैं? बेसिकली जो हमारे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स, जब भी ट्रेनिंग के लिए एक हमारे इंस्टीट्यूट है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का जो हैदराबाद में है, सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वहाँ से जब ट्रेनिंग पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास सिमुलेटर्स वगैरह हैं और वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे जो ट्रैफिक का जो प्रेशर होता है वहाँ पे वो इतना ज़्यादा होता है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो उस हिसाब से वो ट्रैफिक हमें यहाँ कम मिलती है, वहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस डाला जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक हमें हैंडल करने को मिलती है। रेगुलर ट्रेनिंग एग्जैक्टली। उसके अलावा हम तो कोई 9 से 10 मंथ्स की ट्रेनिंग हम वहाँ करके आते हैं, देन उसके बाद जब हम लाइव ट्रैफिक में यहाँ आते हैं, यहाँ अलग से ट्रेनिंग होती है, दोबारा से लाइव ट्रैफिक में ट्रेनिंग होती है 4 मंथ्स 3 मंथ्स 6 मंथ्स जितनी ट्रेनिंग का पीरियड होता है वो, उसके बाद फिर एक बोर्ड होता है वो आपको चेक करता है, अगर आप बोर्ड कहता है कि बिल्कुल ठीक है ही इज़ गुड टू परफॉर्म इंडिपेंडेंट, देन जो है एक कंट्रोलर जो है वो इंडिपेंडेंटली एक यूनिट के पे परफॉर्म करता है। इसी तरह से हमारे पास जो है वो 6 यूनिट्स है, तो स्ट्रेस लेवल जो है वहाँ पर हमें इतना ज़्यादा दिया जाता है कि ये जो ट्रैफिक है हमें कम लगता है। अच्छा, दूसरे कामों में जो ईद त्यौहार आते हैं, छुट्टी हो जाती है, ये तो 24/7 वाला काम है, तो मतलब ये बिल्कुल ये एसेंशियल सर्विस है, तो यहाँ पे हमारे ट्रैफिक कंट्रोलर्स जो है वो जिस शिफ्ट वक्त में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरी ड्यूटी आज है और आज ईद का दिन है, मेरी ड्यूटी है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू डू इट। बाज़ों का तो ऐसा हुआ है कि हम दो कंट्रोलर्स यहाँ ड्यूटी कर रहे होते हैं तो 4-4 घंटे गुजर जाते हैं, हम एक दूसरे से बात भी नहीं करवाते, जिसकी ड्यूटी हुई उस दिन ही इज़ बाउंड टू परफॉर्म ड्यूटी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम इस प्लेस को जो है ऐसा कभी जो है वो छोड़ दें या वो यहाँ पे नहीं हो सकता, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। सर ये तो हमने जहाज में बैठ के हम बड़े मज़े से कंप्लेन करते हैं, 10 मिनट हो गए अभी तक उड़ाया नहीं, हमें ये नहीं पता होता यहाँ पे इतना एक्शन चल रहा होता है, ग्राउंड पे इतना एक्शन चल रहा होता है, बट थैंक यू सो मच सर। तो वही तो बड़ा ज़बरदस्त मेरे लिए लर्निंग रही, एंड आई एम श्योर आप लोगों को भी बड़ी हैरानगी रही कितना प्रेशर वाला ये काम है। तो खैर ये तो एक पार्ट था ना, इनका काम होता है एयरबॉन्ड करना, एयरबॉन्ड से लेके आगे तक अगले सेक्शन तक जहाज को कौन नेविगेट करता है, एरिया कंट्रोल सेंटर, तो अब चलते हैं वहाँ और वहाँ देखते हैं ऑपरेशंस किस तरह होंगे। सो रनवे से जहाज जैसे ही एयरबॉर्न होता है वहां टावर की होती है जिम्मेदारी खत्म और ट्रांसफर होती है एरिया कंट्रोल सेंटर में, जहां पे जितने भी कंट्रोलर बैठे हैं ये उसको गाइड करते हैं। तो ये किस तरह होता है, क्या प्रोसीजर होते हैं, किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ये प्रोसीजर है, तो ये हमें समझाएंगे चीफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर आसिफ रसूल साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब, जनाब साहब, क्या हाल है? ठीक है। बड़ा माशाल्लाह बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म का यहाँ पे आपने हिसाब किताब रखा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ऑडियंस को जरा आप समझाएं। जब एयरोडोम कंट्रोलर यानी टावर कंट्रोलर से एयरबोर्न करता है तो सबसे पहले वो आता है हमारे अप्रोच कंट्रोलर के पास, और अप्रोच कंट्रोलर जो कि ऑब्वियसली द मोस्ट सीनियर कंट्रोलर इन द शिप ऑलवेज परफॉर्म्स एज द अप्रोच कंट्रोलर, वो उस जहाज को अप टू अ सर्टेन मैनूवर्स के थ्रू ले जाता है टूवर्ड्स द एरिया कंट्रोल सेंटर के एरिया कंट्रोलर के पास। अच्छा आसिफ साहब, मेरी ऑब्वियसली ऑडियंस काफ़ी इंटरेस्टेड है, जबानी कलामी तो हमें सारे सुनते हैं, क्या कुछ हम देख सकते हैं और स्क्रीन हम दिखा सकते हैं? सेफ श्योर नो प्रॉब्लम। ये क्या चल रहा है स्क्रीन पे इस वक्त? ये जितने भी आपको टारगेट्स नजर आ रहे हैं दे ऑल आर द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग इन द एयर स्पेस ऑफ पाकिस्तान। ये मलेशियन एयरलाइन का फ्लाइट है, डिपार्टेड फ्रॉम लंदन एंड गोइंग टू कुआलालंपुर एंड इज फ्लाइंग थ्रू द पाकिस्तान। MAS-3 39,000 फीट पे है, इसकी टाइप जहाज की एयरबस 359 है, इसकी ग्राउंड स्पीड 520 नॉट्स आ रही है। हम उसकी स्पीड उसकी हाइट को मेंटेन रखते हैं ताकि दूसरे जहाजों से सेपरेट कर सके। अभी इसके पीछे भी एक जहाज 39,000 है, सिंगापुर का जहाज है, इनके दरमियान में हमने एक सेपरेशन जो रिक्वायर्ड है उसके ऊपर हम इस जहाज को चला रहे हैं। सही। ताकि ये एक दूसरे के क्लोज ना हो जाए। ये सारे जहाज ऑल द टाइम दे आर रिमेन इन वन ऑफ द कंट्रोलर इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान से गुजर रहे हैं, तो पाकिस्तान के कौन? अब इस चीज़ को हमने सेग्रीगेट करके ताकि एक सेफ हम उनको सर्विसेज प्रोवाइड करें डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, 1 सेक्टर 2 सेक्टर 3 सेक्टर्स, और फिर जब वो पाकिस्तान के जाएगा तो इंडिया के अंदर जा रहा है क्योंकि इसकी हड्डी के थ्रू सिंगापुर जाने और मलेशिया दोनों के लिए उसको सिंगापुर इंडिया से गुजरना है, तो हम इंडिया वाले कंट्रोलर को इसको हैंड ओवर कर लेंगे, लो भाई ये आपका जहाज, वो आगे वाले जहाज को आगे बढ़ा देगा जहाज। तो जैसे जैसे रिले रेस होती है, जी आपने पकड़ा है वो आगे निकल रहा है। अच्छा अभी आपने इंडिया की बात की, अभी रिसेंटली हमने देखा कि एक नहीं दो इमरजेंसी लैंडिंग यहीं कराची में हुई जी, तो वो क्या सिचुएशंस होती हैं और उसका प्रोटोकॉल क्या होता है? वैसे इमरजेंसी के लिए अब कोई जहाज हमारे यहाँ हमारे लिए पायलट अगर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे तो वी गिव देम प्रायोरिटी, चाहे वो कराची लैंड कर रहा नहीं हो,
हम उसको अगर इंजन फेलियर हो गया तो इनपुट जहाँ पे भी उसका कोई सूटेबल जगह होगा तो हम उसको इमीडिएटली लैंड कराएंगे. फॉर अस एज एन एविएशन पर्सनल आई फील दिस इज रूटीन प्रोसेस. आप लोग एक हार्मनी और कोहेजन में काम करते हैं तो ये एक रोजमर्रा की आम बात बिल्कुल आम से. मगर वो न्यूज में इस तरह हाईलाइट होती जैसे पता नहीं क्या हो गया जी इंडिया का जहाज आ गया. नहीं आजकल से रूटीन हुआ. इसे रूटीन पहले भी होता था कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन आजकल शायद इसके ऊपर कोई मीडिया ही सोशल मीडिया का दौर है. अदरवाइज फॉर अस एज एन प्रोफेशनल आई थिंक इज ए रूटीन. 5 किलोमीटर पार्टिकुलरली रनवे 25 लेफ्ट इन यूज. थैंक यू. जब जहाज एयरक्राफ्ट निकलता है कराची से दूर डिपेंडिंग अपॉन इट्स डायरेक्शन, अगर दुबई की साइड पे जाएगा तो टूवर्ड्स पाकिस्तान के साउथ से फ्लो करेगा. अगर वो डोमेस्टिक फ्लाइट है लाहौर या इस्लामाबाद की तो वो हमारे नॉर्थ से गुजरेगा. डिपेंडिंग अपॉन दैट देर आर वेरियस सेक्टर्स इन टू विच द एयर स्पेस हैज़ बीन डिवाइडेड इन टू. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर जितने एयरक्राफ्ट हैं ये पूरे पाकिस्तान की एयर स्पेस के एयरक्राफ्ट हैं. ये तमाम इस टाइम पाकिस्तान की एयर स्पेस में कंट्रोल किए जा रहे हैं. इन लाइंस के नीचे के जितना एरिया है इसके अंदर तमाम ट्रैफिक इस हॉल से कंट्रोल हो रही है. और अभी आप कह रहे थे पीक आवर नहीं है. ये पीक आवर बिल्कुल भी नहीं, उस पे इतना ट्रैफिक है. एग्जैक्टली ये को 50-60 जहाज एट अ टाइम आप लोग हैंडल कर रहे हैं. बिल्कुल एक एरिया के अंदर एट अ टाइम हमारे पास जब रात में ट्रैफिक होती है पीक की ट्रैफिक उस टाइम एक एक एरिया के अंदर रफली 40-45 एयरक्राफ्ट होते हैं जो दो कंट्रोलर एक ही जगह पे बैठ के हैंडल कर रहे होते हैं. और उन तमाम के कॉल साइंस यानी उनका जो एयरक्राफ्ट का फ्लाइट नेम होता है जिसको हम कॉल साइन कहते हैं वो कॉल साइन तमाम याद होते हैं कंट्रोलर को. क्योंकि जैसे ही एयरक्राफ्ट कॉल देता है कि आई एम सो एंड सो कॉलिंग तो हमें पता होता है कि एयरक्राफ्ट किस पोजीशन पे था और उसको फर्दर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं. मतलब आपको लाइव लोकेशन जैसे हम अपने दोस्तों को लाइव लोकेशन भेजते हैं ये एट अ टाइम 40 लाइव लोकेशन इनको याद होती है. हाँ, कौन कहाँ पे डिस्प्ले हो रही होती है और साथ में हमें उनके कॉल साइन जहन में चल रहा होता है. जैसे वो कॉल देता है तो हमारी आंखें उधर ही जाती हैं कि अच्छा यहाँ से ये इसे. हाँ वरना आप ढूंढता ही रहे बंदा कि यार वो QTR-38 कहाँ है. तो ये अब देखें कि यहाँ से कराची का जो सिंध का रीजन है ये वाला एक कंट्रोलर इस पोजिशन से कंट्रोल करता है. ये कराची के ऊपर जो ये बलूचिस्तान का रीजन है ये हमारे साथ में इस स्क्रीन के ऊपर से यहाँ से दो बंदे कंट्रोल कर रहे होते हैं. और ये जो नीचे साउथ का रीजन है हाई सीज के ऊपर ये सारी ट्रैफिक जो हमारे रडार पे आ रही है ये सारी हमारे साउथ के एरिया से कंट्रोल होती है. तो ये तीन सेक्टर्स हैं कराची की एयर स्पेस के अंदर जो इस हॉल से कंट्रोल हो रहे हैं. इससे जितना आप नॉर्थ पे चले जाएँ तो वो हमारे लाहौर के इसी तरह एक हॉल है एरिया कंट्रोल सेंटर, वहाँ से कंट्रोलिंग होती है. सही. अच्छा मैंने एक चीज़ नोट की है हर जगह जो है ये 5:15 बज रहे हैं ये कहाँ का टाइम? ये UTC टाइम होता है क्योंकि एयरक्राफ्ट जब उड़ता है लाइक सिंगापुर से उड़ के उसने यूरोप जाना है तो वो तो बहुत से टाइम जोन्स में से गुजरेगा. अगर हम उसको वो बताएं कि जी मेरा अगला एस्टिमेट इस पोजीशन का ये है तो नीचे वाले कंट्रोलर पूछते ही रह जाएं यार सिंगापुर का टाइम है पाकिस्तान का टाइम है या UK का टाइम है. तो उसको स्टैंडर्डाइज सिंक्रोनाइज जो सीमलेस मूवमेंट के लिए ये इंश्योर किया जाता है कि एविएशन हर टाइम पायलट्स एज वेल एज कंट्रोलर्स दे डील इन UTC टाइम. सही. तो अक्रॉस द ग्लोब तमाम लोग UTC टाइम को फॉलो करते हैं, लोकल टाइम में खुद कन्वर्ट कर लें जिसको अगर ज़रूरत हो. सही सही सही. और ये हवा के अंदर एक इमेजिनरी सड़कें बिछी हैं. जैसे ज़मीन पे सड़कें ऐसे हवा के अंदर ये जो आपको लाइंस नज़र आ रही हैं दीज आर रूट्स विच आर डिफाइंड विद रेफरेंस टू द नेविगेशनल इक्विपमेंट जो ऑन ग्राउंड इक्विपमेंट है उसके रेफरेंस से ये रूट्स डिफाइन किए हैं. सही. एयरक्राफ्ट इन रूट्स के ऊपर फ्लाई करते हैं और रडार के ऊपर हमें नज़र आ रहे होते हैं. हम उनको वहाँ से हटा भी सकते हैं गिवन दैट अगर कोई एयरक्राफ्ट जो है वो रिक्वेस्ट करता है ड्यू वेदर सामने उसके वेदर आ गया क्लाउड्स आ गए तो वो अपने रूट से हटने की रिक्वेस्ट करेगा. चूँकि हमारे रडार पे हमें नज़र आ रहे हैं हम उसको हटा देते हैं हेडिंग देते हैं. इस तरह से ट्रैफिक फिर स्मूथली प्रोग्रेस हो जाता है. इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा आपने कहा कि वो शॉर्टकट भी दे सकते हैं, व्हाई डज दैट हैपन? तो वो जो उनका डिफाइंड रूट है उससे नहीं हट रहे होंगे? उससे हटा सकते हैं, बिल्कुल हटा सकते हैं. और उसका फ़ायदा ये होता है कि एयरक्राफ्ट ने अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ट्रैवल करना है rather than going from point A to C and then B, वो request कर सकता है कि हमें directly यहाँ से एक point से दूसरे point पे fly करने दिया जाए ताकि उनको cost saving हो जाए. उसमें उनकी fuel saving होती है, time saving होती है और सबसे बढ़ के हमारे environment की pollution reduce होती है. क्योंकि the longer the aircraft flies in our airspace, the more carbon dioxide emission. तो आप लोग ये भी देख रहे होते हो कि कार्बन एमिशन कम से कम रखना है. हमारी कोशिश बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर यही होती है कि हम मैक्सिमम एयरक्राफ्ट को
अच्छी सर्विस दें, शॉर्टकट्स दें ताकि उनके पास फ्यूल सेविंग हो, ताकि हमारे पास एविएशन इंडस्ट्री ग्रो करे। जितनी ज़्यादा अच्छी सर्विस होगी उतने ज़्यादा क्लाइंट्स ज़्यादा आएंगे, एविएशन इंडस्ट्री पाकिस्तान की ग्रो होगी, इकोनॉमी बेहतर होगी, डॉलर ज़्यादा आएंगे। सही सही सही। और फिर अब जैसे कि हम अक्सर देखते हैं मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी हो रही होती हैं, मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स भी उड़े होते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर हो रहा था। एग्जैक्टली उनके एरियाज डिफाइंड हैं, पब्लिश्ड हैं, वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड हैं। हमारी एक किताब होती है जिसको AIP कहते हैं, एरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन। इट इज़ लाइक हमारी एविएशन की इंडस्ट्री में हमारा आइन है, वो डिक्टेट करता है तमाम पॉलिसीज, तमाम प्रोसीजर्स, और वो वर्ल्ड वाइड पब्लिश्ड होते हैं। तो ये जितने मिलिट्री एरियाज होते हैं, कोई डेंजर एरियाज होते हैं जहाँ फायरिंग हो रही है, कोई रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं, वो तमाम एरियाज हमारी AIP के अंदर पब्लिश्ड होते हैं। वो तमाम पायलट्स को पता होता है कि इनकी एयर स्पेस में फलां फलां एरियाज प्रोहिबिटेड टू फ्लाई, तो वो वहाँ पे फ्लाई। सो दैट्स व्हाई दे कीप अ बुक इन द कॉकपिट, क्योंकि वो जहाँ जिस एयर स्पेस में जा रहे होते हैं फिर वो वहाँ का खोलते होंगे कि यहाँ वो चार्ट्स तमाम देखते हैं, उनको पता होता है कि यहाँ पे नो गो एरियाज, नो गो एरियाज हैं, प्रोहिबिटेड एरियाज। बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है ये, लेकिन ये कितना smooth chal raha hai, this is amazing. In case of any emergency to the flight, Civil Aviation Authority has a dedicated unit called Rescue Coordination Center. Kisi bhi flight ke gayab ho jane ya kisi accident ke shikar ho jane ki surat mein search aur rescue provide karne ke liye mukhtalif agencies se coordination karti hai. To basically na sirf ye ki flights ke operation ko safe rakha jata hai, balki khuda na kare agar wo kisi hadse ka bhi shikar ho jaye tab bhi Civil Aviation Authority ke designated air traffic control officers us flight aur uske andar safar karne wale musafiron ki safety ka khayal rakh rahe hote hain. Assalamu alaikum ji, my name is Akhtar Mirza. I am the Director of Operations for Pakistan Civil Aviation and responsible for the provision of air traffic controller and control within Pakistan Airspace. On this day, I congratulate all the air traffic controllers of Pakistan and worldwide for the centenary Air Traffic Controllers Day. I wish all the controllers best of luck and future prospects. Thank you.